अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को यूज़ करना सीखा। आज हम थोड़ी सी कलर्स की बात करते हैं। सोचें अगर ज़िंदगी में कलर्स ना होते, सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट होता तो किस तरह से लगता, किसी भी चीज़ का कोई भी डिफरेंस फील ही ना होता। और बहुत सी चीज़ें तो हम लेते ही इसलिए हैं कि हमें उनका कलर और उनका डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा अपील करता है। सो लेट्स ऐड कलर इन टू आर टेक्स्ट। सबसे पहली ऑप्शन जो हम यूज़ करेंगे टू एडिंग कलर्स, ओके जी, लेट मी राइट माई चैनल नेम सो आपको याद भी रहे दैट यू हैव टू यूज इट मैनी टाइम्स एंड यू हैव टू सब्सक्राइब एज वेल। अच्छा जी, मैंने अभी तक इसको ब्लू कलर दिया हुआ है, ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है ब्लू कलर। अगर आप नोट करें ऑन माई स्क्रीन तो ये जो आपकी कैपिटल ए वाली ऑप्शन है, इसके नीचे जो एक लाइन लगी हुई है वो ब्लू कलर में है। इसका मतलब है कि मैंने अपने फॉन्ट के लिए ऑलरेडी ब्लू कलर यूज़ किया है। और ब्लू कलर यूज़ करने की रीज़न कि मेरे MS Word का भी बेसिक कलर ब्लू ही है, सो मैंने यही पिक किया। बट आई विल टेल यू दैट हाउ टू चेंज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम उसी तरह जैसे हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, हम अपने सारे के सारे टेक्स्ट को जिसको हम कलर करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो कलर एक दफ़ा सेलेक्ट हो चुका होता है, मोस्टली ब्लैक कलर ही आता है। जैसे कि आपने देखा होगा MS Word में जब आपकी राइटिंग होती है तो वाइट पेज पे ब्लैक राइटिंग ही होती है, लेकिन यू कैन चेंज इट। अच्छा, ये जो साथ में छोटा सा एरो होता है, यू विल प्रेस ऑन इट और आपको बहुत सारी और ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी। लें जी, वी हैव अ बिग पैलेट ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे सारे के सारे कलर्स मौजूद हैं, उनकी वेरिएशंस मौजूद हैं। आप चाहें तो लाइट कलर ले सकते हैं, चाहे तो डार्क कलर ले सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरा माउस पॉइंटर, माउस कर्सर इस वक्त ऑरेंज कलर पे है, और अगर आप नीचे देखें तो चैनल नेम लेट्स लर्न भी इस टाइम ऑरेंज कलर में चेंज हो चुका है। पहले भी बताया है, एक बार फिर बता रही हूँ, MS Word इज़ सो इंटेलिजेंट। आप जब किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए माउस कर्सर ही लेके आते हैं तो आपका टेक्स्ट इफेक्ट्स को दिखाना शुरू कर देता है कि इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपका टेक्स्ट कैसा लगेगा। ऑरेंज कलर का शेड पसंद आया, नहीं कोई बात नहीं, लेट्स चेंज इट। आप जिस जिस कलर के ऊपर माउस कर्सर लाते जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पर चेंजेस नज़र आती जाएंगी। अच्छा जी, सेटिस्फाइड नहीं है, कोई बात नहीं, वी कैन हैव मोर कलर्स। अब ये एक बिग पैलेट है जहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, लाइट डार्क एनी कलर, एनी कलर। इट इज़ हैविंग ऑल द रेनबो शेड्स। आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन प्ले विद द कलर्स एज वेल। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कलर पैलेट दिखा दिया, मोर कलर ऑप्शंस दिखा दी, ठीक है। हमने एक रिसेंट कलर जो पिक किया है वो ये वाला है, ठीक है। अभी हम इसको मिक्स करके लाए हैं वहाँ से, यानी कैसे मिक्स करके लाए हैं एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता दूँ। मैंने मोर कलर्स पे प्रेस किया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने माउस पॉइंटर को एक दफ़ा दबा दिया था। आपको जहाँ वाला कलर शेड पसंद आ रहा है आप वहीं पर उसको प्रेस कर सकते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, ये इस साइड पे जो बार आती है ये भी आपको सारे के सारे शेड्स दिखाती है। देखिए, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द वाइट और होते 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 ये कलर आपका डार्क होते होते ब्लैक हो गया। सो यू कैन गेट एनी कलर, एनी शेड फ्रॉम दिस साइड, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया और ये मेरे पैलेट में एडअप भी हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? जब आपका कलर हल्का हल्का डार्क हो रहा होता है, या साइड से लाइट होगा, सेंटर से डार्क होगा, या साइड से डार्क होगा, सेंटर से लाइट होगा, मीन्स आप उसको ग्रेडियंट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप अपने टेक्स्ट को ग्रेडियंट इफेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से लाइट शेड दे रही हूँ और राइट साइड पर जाते रहते वो ग्रेजुअली डार्क शेड होता जाएगा। अच्छा, मैंने वर्ड यूज़ किया ग्रेजुअली और मैंने एम्फेसाइज भी किया इस पर ताकि आपको पता चले कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है। ग्रेडियंट आप उसी टर्म में यूज़ करते हैं जब हम ग्रेजुअली चीज़ों को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसमें ग्रेडियंट ऑप्शन ले ली, सेटिस्फाइड है इन ऑप्शन से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कलर ऑप्शन की तरह आप ग्रेडियंट ऑप्शन को भी अपनी मर्जी से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द फॉन्ट कलर। अच्छा, बाकी वीडियोस की तरह आज बात यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हो जाएगी, मैं आपको थोड़ा सा और भी बताऊंगी इन सब चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप जिस तरह से अपनी बुक्स पे, कॉपीज़ पे हाइलाइटर यूज़ करते हैं,
ठीक है। उसी तरह से आज हम इस टेक्स्ट को भी हाईलाइट करना सीखेंगे। आपने सारा का सारा टेक्स्ट लिख लिया, किसी एक चीज़ को आपने एम्फसाइज करना है, फॉर एग्जाम्पल वो आपकी डेफिनेशन है, या वो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ब्रोशर वगैरह बना रहे हैं तो आपने उसमें जो सेल ऑप्शन दी हुई है 50%, 20%, या कोई भी प्राइस टैग वगैरह है, या उसके अलावा कोई और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें वही वाले शेड आते हैं। अच्छा, हाईलाइटर कहाँ है? हाईलाइटिंग ऑप्शन इज डायरेक्टली विद योर फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर वाली ऑप्शन ये, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में कन्फ्यूजन है तो आपने थोड़ी देर के लिए माउस कर्सर को वहाँ पे छोड़ देना है, नीचे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा कि ये ऑप्शन किस लिए होती है, फॉन्ट कलर के बिल्कुल साथ हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइटर, ये लें जी। सारे के सारे वही शेड हैं जो हमारे पेन हाईलाइटिंग में आमतौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। यही वाला डार्कर शेड, यही वाला नियॉन शेड जो हम वैसे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर माउस कर्सर जहाँ जहाँ है वही 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 वाला कलर नीचे आता रहेगा। आपने चेंजेस को यहाँ पे नोट करना है जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है। देखिए, जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूँगी वैसे वैसे ही ये आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स वगैरह देता रहेगा। लो जी, मैंने एक येलो कलर ले लिया बिकॉज़ मुझे अपने फॉन्ट कलर के साथ वही मैच करता हुआ अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, थोड़ी सी और कलर्स की बात करते हैं। सो लेट्स अप्लाई पेज कलर टुडे, ठीक है। आज हम अपने होम टैब से थोड़ा सा बाहर निकल के किसी और टैब को भी व्यू करते हैं, ठीक है। तो पेज कलर के लिए, पेज कलर के लिए इनमें से कौन सी वाली टैब जो है वो इफेक्टिव हो सकती है, कौन सी वाली पेज से रिलेटेड है? पेज लेआउट, यस, पेज कलर, पेज लेआउट। जैसे होम टैब थी सारी की सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के लिए, इंसर्ट टैब है नई चीज़ें एडअप करने के लिए, सो पेज लेआउट पेज के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ करने के लिए। सो अब हम क्लिक करेंगे पेज कलर ऑप्शन पे, ठीक है। मैंने पहले कहाँ क्लिक किया? पेज लेआउट टैब, टैब पे क्लिक किया तो सारी की सारी पेज वाली ऑप्शंस आना शुरू हो गई। मैं इनको भी आपको वन बाय वन रिव्यू करके बताऊंगी, आपको इनका यूज़ बताऊंगी प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन आज हम सिर्फ कलर्स की बात कर रहे हैं, सो लेट्स ओनली वर्क विद द पेज कलर एंड पेज बॉर्डर, ठीक है। सो पेज कलर कैसे चेंज होना है, इसमें भी उसी तरह से आप, अच्छा, पेज को देखते जाएँ और माउस पॉइंटर को देखते जाएँ, ठीक है। एम एस वर्ड आपको बता रहा है कि इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पेज का हशर ऐसा होने वाला है। सो अब आप जिस कलर पे भी क्लिक करें, जो भी आपको टेक्स्ट के साथ ज़्यादा इफेक्ट करता हुआ, ज़्यादा कंट्रास्ट करता हुआ अच्छा लग रहा हो, आप उस पर क्लिक कर दें। तो जी, मेरी चॉइस तो ये है, ये क्लिक हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू विल सेलेक्ट योर टेक्स्ट एंड दिस इज़ हाउ यू विल अप्लाई कलर्स टू योर टेक्स्ट, ठीक है। आपने अपने पेज को कैसे कलर देना है, आपने अपने टेक्स्ट को कैसे कलर देना है, टेक्स्ट को हाईलाइटर कलर कैसे देना है, ये सारी की सारी ऑप्शंस आज हमने यूज़ की। एक छोटी सी ऑप्शन और, बिकॉज हम इस वक्त पेज लेआउट में हैं टैब में, तो इसी में कलर्स के साथ ही एक और बड़ी मज़े की ऑप्शन होती है पेज बॉर्डर। अब ये पेज बॉर्डर क्या चीज़ है? सिमिलरली जैसे आप मार्जिन लाइंस ड्रॉ करते हैं पेज के चारों तरफ, उसी को हम पेज बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी इतनी सिंपल तो नहीं कि हम सीधी सीधी लाइनें लगा दें, सो देयर आर लॉट मोर ऑप्शंस जहाँ पे आप इनके साथ प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल बॉर्डर्स, ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं सीधी लाइनें होंगी, डॉट्स वाली लाइनें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं कैसा आएगा। लें जी, देखिए ये छोटे 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 डॉट्स आपके पेज के चारों तरफ आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। लें जी, इसके बाद आपकी ये शेडेड लाइंस आ सकती हैं, डैशेस, इसके बाद ये वाले डैशेस, यहाँ पे प्रीव्यू आपको साथ में आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब और चेंज करना चाहते हैं, डबल लाइन लगाना चाहते हैं तो ये देखें ऐसे डबल लाइन आ जाएगी। इसके बाद और लाइन के साथ क्लिक करना चाहते हैं तो ये देखें, जिस जिस ऑप्शन पर आप क्लिक करते जाएंगे वही वही ऑप्शन जो है वो उसके ऊपर आती जाएगी। आपको लग रहा है कि ये आउटर लाइन ज़्यादा थिक है, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसके पिक्सल्स को, इसके पॉइंट्स को सिंपली कम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपने बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों के लिए अगर आप कोई पेज वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कोई बर्थडे कार्ड वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए भी ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें सीधी लाइनें पसंद नहीं आती। सो लेट्स एड अप न्यू थिंग, ये देखिए जी कहाँ से आई ये नई चीज़, आप भी कहते हैं फटाफट क्लिक कर देती है, पता नहीं चलता। सबसे पहले मैंने पेज बॉर्डर पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ से लाइन सेलेक्ट की। लाइंस का कलर भी हो सकता है, ठीक है। लाइंस के बिल्कुल नीचे जो ऑप्शन है मैं उसके बारे में बताती हूँ, लाइन का कलर भी हो सकता है। जैसे मैंने पेज का कलर बनाया तो चलो जी मैं इसके ऊपर डिफरेंट कलर की लाइन भी लगा सकती हूँ, ठीक है, ऑरेंज लगा दें, जो भी लगा दें, तो इस तरह से करके ये आएगी। मैं आपको ओके करके इसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ। अब ये चीज़ बन चुकी है, आपको पसंद आई नहीं आई, मैंने ये चीज़ बना दी, आप अपनी मर्ज़ी से पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे बच्चों के लिए बॉर्डर लगाने की, तो इसी वाले
दोबारा उसी तरह पेज बॉर्डर पे आना है आपने, लाइंस वाइंस को बिल्कुल नहीं चेंज करना इस बार, हमारा उससे काम ही कोई नहीं। हमने नीचे आ जाना है आर्ट ऑप्शन में, सबसे लास्ट ऑप्शन आर्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक किया, एप्पल्स हैं, केक्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, आइसक्रीम है, बहुत सारे बलून्स और ये सारी की सारी शेप्स, जो चाहें लगाएं और अपने बच्चों के लिए खुद बर्थडे कार्ड डिज़ाइन करें। ओके, सो ट्राई इट एंड टेल मी दैट हाउ मच हेल्पफुल इट इज़ फॉर यू, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। और अगर आपको कोई किसी किस्म की चीज़ समझ में नहीं आ रही है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो यू कैन कॉमेंट मी, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर दूँगी। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।